आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये में एक पॉलिनोमियल दिया है और कह रहा है कि इफ इट इज गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर माइनस अंडर रूट 3 एंड रूट 3। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाकी जो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के बाकी जो जीरोज हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, जब हमें ये दो जीरोज दे रखे हैं, एक ये दे रखा और एक हमारे पास ये दो जीरोज दिए हुए हैं, तो इसको जब हमें ये माइनस में दिया है तो इसको हम लिखते हैं प्लस में, x प्लस अंडर रूट 3, और ये दूसरा वाला जो हमें दिया हुआ है प्लस में है तो इसको हम लिखेंगे माइनस में, x माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पर देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी का जो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास, हमें ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ वी डिवाइड पॉलिनोमियल बाई, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इससे। कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको भी। तो ये हमने लिख लिया इसको डिवीजन के फॉर्म में, और हम इसकी करते हैं अब डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा। x की हम पावर 2 टाइम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली टर्म्स के नीचे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस हो गया और ये क्रॉस हो गया क्योंकि एक जैसा था। अब यहाँ पर हमारे पास जो बचा x की पावर है 3, ये देखिए माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए हम लिखेंगे माइनस। यहाँ आ जाएगा 6x की पावर 2 माइनस 3x और प्लस 18, हमने एज इट इज यहाँ नीचे ले लिया। प्लस का नंबर चाहिए था क्योंकि सभी प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब हम x टाइम लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2 माइनस, इससे करेंगे तो x आएगा माइनस का 3x, तो यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा इसके नीचे माइनस का 3x। अब देखिए क्या होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे ये दोनों नंबर क्रॉस हो जाएंगे, ये 3 है इसकी पावर तो यहाँ भी ये क्रॉस हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, x की स्क्वायर और यहाँ पर, यहाँ जो बचे हमारे पास ये वाला है 18, ठीक है। अब ये, अब क्या करेंगे, अब हमें माइनस चाहिए तो हमने माइनस 6 टाइम ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 6x की पावर 2 और माइनस 3, माइनस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का हो जाएगा 18, ये जाएगा साइन चेंज, ये भी क्रॉस, क्या बचा, 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारे पास जब यहाँ पर निकल करके क्या वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये भी एक फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो निकल के आया, हमें क्वेश्चन निकल के आया है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन और जो हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी x की, मीन्स वे ही हमारे दोनों अगले जो, और जो हमारे जो जीरोज हैं वही दोनों जीरोज होंगे। तो कर लेते हैं इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, फिर हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक ब्रैकेट में, माइनस इसको हम करेंगे 2x प्लस 6 को एक ब्रैकेट में। अगला हम कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर, x प्लस 3 हमारे पास बचेगा, माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 बचेगा। अगले देखिए, इस ब्रैकेट में दोनों ही नंबर पूरा सेम है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, ठीक है, होना चाहिए तभी हम सही चल रहे हैं। ये हमने लिख दिया और x प्लस 3 लिख दिया। अब देखिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें बचे हुए दो जीरोज हैं यानी कि 2 एंड माइनस 3 आर आल्सो जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल कौन सा, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है इसके जो दो और जीरो हैं वो क्या हैं, जीरोज आर 2 एंड माइनस 3। तो ये हमारा दो और जो जीरो थे वो हमने फाइंड आउट कर लिया।